मास्टरमाइंड शहजाद अली गिरफ्तार हो चुका है। शहजाद कोर्ट में सरेंडर करने की जुगत लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने उस पर पहले ही शिकंजा कस दिया। माना यह जा रहा है कि थाने पर पथराव कांड की पूरी साजिश का अब खुलासा हो जाएगा, साथ ही कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड थाने में उत्पात का साजिश करता, हाजी शहजाद अली पर कसा शिकंजा। पुलिस के शिकंजे में आए इस शख्स को गौर से देखिए, ये वही है जिसकी छतरपुर पुलिस बेसब्री से तलाश कर रही थी। ये थाने में पत्थरबाजी कांड का मास्टरमाइंड है। हाजी शहजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने में जुटी भीड़ और लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए उकसाने के लिए शहजाद अली पर आरोप है। ये घटना वाले दिन भीड़ में सबसे अलग था, लेकिन घटना के बाद गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था। जांच में पुलिस को इसकी साजिश के बारे में पता चला, लिहाजा इसके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी किया, साथ ही 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए शहजाद ने कोर्ट में सरेंडर करने की चाल भी चली, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ही उसे दबोच लिया। उसको आज गिरफ्तार किया गया है, बारे में नहीं यार परेशान और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी गिरफ्तार किया गया है और सभी संबंधित से पूछताछ की जा रही है और जैसे ही पूछताछ पूरी होगी तो सारे तथ्य। कहां जा रहा था ये? पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच शहजाद ने एक वीडियो जारी किया था और खुद को बेकसूर बताया था। यही नहीं, थाने पर पथराव को उसने साजिश बता दिया था। लेकिन सवाल ये कि अगर वो बेकसूर था तो पुलिस से भागा क्यों? क्यों पुलिस को सहयोग नहीं किया? माना जा रहा है कि थाने में पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोगों की अब पहचान हो सकेगी, साथ ही पूरी साजिश का पर्दाफाश भी हो जाएगा। नरेंद्र परमार, न्यूज 18, छतरपुर।